सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज की 17 दिसंबर 2018 की कुछ अपडेट, साथ में देखेंगे निफ्टी का इंट्राडे टेक्निकल क्या कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। अपडेट है दोस्तों हिटाची से। हिटाची स्विट्जरलैंड की कंपनी एबीबी के बिजली ग्रिड उपकरण कारोबार में एक बहुत बड़ी भागीदारी करने वाली है, जिसके लिए कंपनी 6.4 अरब डॉलर्स खर्च करेगी। शेयर हालांकि बहुत अच्छा काम नहीं करा, 1% की गिरावट के साथ दोस्तों बंद हुआ। अपडेट है दूसरा दोस्तों पावर मेक से। 245 करोड़ रुपए के टेंडर मिले, जिसमें तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में क्रिटिकल तापीय बिजली परियोजना के लिए मिला है। साथ ही साथ उनको कर्नाटक में तापीय बिजली स्टेशन के परिचालन और उसकी देखभाल करनी भी है, ये भी काम इनको इसमें ही करना है। और जो शेयर है वो 0.6% की गिरावट के साथ दोस्तों बंद हुआ। तीसरा अपडेट है पाम तेल के सस्ते आयात के कारण दिल्ली के थोक तेल बाज़ार में खाद तेलों की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट बन गई। और दोस्तों लास्ट दोस्तों अपडेट है वो है भारत सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि जो चिकित्सा है, चिकित्सा के लिए जो विदेशी पर्यटक है वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे इंडिया पे। रीज़न क्या है कि भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी यहाँ पर जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारे सोर्सों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारी हेल्थ केयर जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी लोग जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ लोग बीमार भी होंगे, मतलब परसेंटेज ज़्यादा होंगी, वहाँ हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा चाहिए। और वहाँ पर एक ऐसी कई बीमारियाँ हो जाती है जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा को लेकर आना पड़ता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सस्ते में चिकित्सा उपलब्ध हो जाती है इंटरनेशनल लेवल की, यानी एक ऐसा लेवल हमें मिल जाता है जहाँ पर एक अच्छा ट्रीटमेंट सस्ते में हो जाता है। इसी वजह से जो आसपास के जो विदेशों में रहने वाले पर्यटक हैं वो क्या कहते हैं कि अपने देश में जो है वो इलाज महंगा होगा इस तरीके का, इससे अच्छा तो भारत में जा कर के सस्ते में हम अच्छा इलाज करवा लेते हैं। और इसका एक आंकड़ा भी इन्होंने दिया है कि 2016 में जहां ये 4,27,000 था जो वीज़ा आ रहे थे हमारे पास इंडिया में चिकित्सा के लिए, वो 4,27,000 थे, वहीं 2017 में 4,95,000 हो गए। और उम्मीद है कि ये जो स्तर है वो और तेज़ी से बढ़ेगा और 2018 में इसकी जो गणना है वो भी आएगी और उसमें देखा जाएगा कि भी कितनी बढ़ोतरी हुई। तो इस वजह से एक कहा जा रहा है कि जो भारत में हमारा हेल्थ केयर है वो बड़ा मजबूत होगा और ये अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में कारगर साबित होगा। बात कर लेते हैं निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल की क्या है। दोस्तों एक ट्रेंड लाइन हम फॉलो करते हुए आ रहे थे जिसको बाज़ार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रेंड लाइन बाज़ार ने तोड़ दी थी, लेकिन हम ट्रेंड लाइन में हमेशा क्या करते हैं, हम स्विंग को कंसीडर करते हैं। तो पिछले दो दिनों से क्या हो रहा था कि ट्रेंड लाइन तो टूट गई थी, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई, लेकिन जो उसका स्विंग था, बैक स्विंग था, बाज़ार उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। तो ये हमें कंफ्यूज कर रहा था कि बाज़ार करना क्या चाहता है। तो अब बाज़ार ने यहाँ क्लियर कर दिया जी, बाज़ार का अभी नीचे जाने का मूड नहीं है। हालांकि उसने जो ट्रेंड की रफ्तार है जो यहाँ पर बनी हुई थी उस रफ्तार को स्लो कर दिया है, यानी वो स्लो ज़रूर हुई है लेकिन वो रिवर्स नहीं हुई है अभी। तो इस वजह से ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये थोड़ी सी हम करेंगे चेंज, और इस ट्रेंड लाइन का, पिछली वाली ट्रेंड लाइन का हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। और अब जो नई हमारे पास जो पीक आकर के मार्केट उठा है वो ये वाला बनता है दोस्तों, अब हमारी नई ट्रेंड लाइन है। तो जब तक इसका सम्मान करते हुए बाज़ार चल रहा है, हम भी इसी का सम्मान करते हुए अपने टेक्निकल व्यू देते रहेंगे। और इसको देखिए, इसमें दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पीक आया था लास्ट, और ये जो यहाँ पर मार्केट उठा था। तो अगर आप देखें आज के दिन बाज़ार ने बहुत अच्छे से वर्क करा, हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन थी जो हमने उम्मीद करी थी उसके हिसाब से बाज़ार गया, ऊपर ऊपर ओपन हुआ और ऊपर ही गया, और बाज़ार में कोई ऐसी वीकनेस देखने को नहीं मिली पूरे दिन। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे ही मार्केट ने एक स्विंग बनाया हुआ है, तो ये स्विंग टूटना ज़रूरी है। अगर ये टूटता है तो बाज़ार और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। लेवल है 10,900, ये 10,900 का लेवल अगर टूटता है तो बाज़ार और ऊपर जा सकता है,
और जो हमारा नीचे का सपोर्ट लेवल बनता है वो बड़ा छोटा है, लेवल है 10,860, 10,860। ये लेवल हमारा जो है वो सपोर्ट लेवल है। अगर बाजार इसको तोड़ के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली बात है हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो स्विंग है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बाजार वहाँ से रिवर्स हो जाए शॉर्ट टर्म के लिए। तो एज ए डेमो ट्रेडिंग, एज ए पेपर ट्रेडिंग, इन दोनों लाइनों को सम्मान करते हुए आप एक्सपेरिमेंट करिए कि क्या रहता है, क्या मार्केट की सिचुएशन बनती है। और जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।